बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं क्रिस्पी पकौड़े। उसके लिए मैंने लिए है एक प्याज और आलू लिए है, साथ मैंने एक शिमला मिर्च ली है रेड, और आधी मैंने ली है ऑरेंज कलर की, और साथ मैंने ली है थोड़ी सी गाजर। यहाँ पे मैंने लीची रख दी है ऊपर। इनको मैं करूँगी थोड़ा सा सोते, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करती हूँ। इसमें जो सारी मैं ना सब कुछ डाल दूंगी इसके अंदर ही। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी पकौड़ों के लिए जो सब्जियां थी ना वो मैंने सोते कर ली है। इनमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना उनका, सब्जियों का, वो ड्राई हो गया इस तरह से। अब मैं इनको कर लूंगी ठंडा, फिर उसके बाद मैं इसके पकौड़े बनाऊंगी। क्रिस्पी पकौड़ों के लिए मैंने प्याज, आलू, शिमला मिर्च और गाजर को ना इस तरह से ना सोते कर लिया। अब मैंने लिया है उसके लिए ये मैदा इतना सा, उसमें मैं डालूंगी एक ये अंडा, उसमें मैं डालूंगी ये 1.5 टीस्पून है नमक का और एक है सुरख मिर्च का, शिमला मिर्च का पाउडर है, ये ज़्यादा ना कड़वी नहीं, ज़्यादा ना हॉट नहीं है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा पानी और इसको मैं ना गोल लूँगी, इसका बैटर बना लूँगी। इस तरह से ना स्मूथली मैं ना इसको ना ऐसे ना गोल लूँगी। इसके साथ आप जब शेकर में डाल के बेस को ना बना सकती हैं इस बैटर को। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो जो मेरे पास थी वेज, और अब इसको मैं चम्मच के साथ मिक्स करूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें आटा थोड़ा है तो आप और भी शामिल कर सकती हैं। अब मैं इसकी बना लूँगी क्रिस्पी पकौड़े। कढ़ाई में रख दी थी ऊपर, उसमें डाला मैंने ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़े। वो एक गिलास जो था ना, वो पौना गिलास मैंने लिया था ना, वो थोड़ा था, फिर मैंने इसको ना पूरा फुल गिलास जो है ना इसमें इसमें गया है, फिर थोड़ा सा मैंने और भी लिया था मैदा, यानी फुल गिलास इसमें पड़ा है मैदे का बैटर में। फिर ये शेप में करना है जो बनी थी ना तैयार हो गई। जब आप इसको खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये आटे के बने हुए हैं या ये बेसन के बने हुए हैं। आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जो भी आपने डालना हो आप इसमें डाल सकती हैं, जो भी स्पाइसी जिस हिसाब से आप पसंद करती हैं। हमेशा से सारे बना लूँ
तो फिर मैं आपको ना डिश शॉर्ट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आटे के क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। बनाएं और दुआ में याद रखना। जज़ाकअल्लाह खैरा।